नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रवि चपटे और आज हम देखेंगे क्रिया और संरचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। सबसे पहले देखेंगे हम क्रिया किसे कहते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। दूसरी परिभाषा देखो, जिस शब्द से किसी प्रक्रिया या घटना के होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे दिनेश शहर गया, आकाश शेर देखकर रोने लगा, पिता ने नौकर से खाना खिलवाया, गीता रोज पढ़ाई करती है, सुधीर अखबार पढ़ रहा था। इन वाक्यों में जाना, रोना, खिलवाना, करना, पढ़ना, यह क्रियाएं हैं। इससे पहले हमने क्रिया के मुख्य भेद और उपभेद देखे हैं। अब हम संरचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद देखेंगे। संरचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया के 11 भेद हैं। उसमें सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, तात्कालिक क्रिया, रुदंत क्रिया, यौगिक क्रिया, सहायक क्रिया, सजातीय क्रिया और विधि क्रिया। संरचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया का पहला भेद है सामान्य क्रिया। जिस वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग होता है उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे रामू बाजार गया, शेर आया, हम स्कूल गए। इन वाक्यों में एक ही क्रिया का प्रयोग हुआ है, इसीलिए ये सामान्य क्रियाएं हैं। क्रिया का दूसरा भेद है संयुक्त क्रिया। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर एक ही कार्य को पूर्ण करती है उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। संयुक्त क्रियाएं दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बनती है। जैसे रामू बाजार चला गया, रोशन रोने लगा, मोनू ने दूध पी लिया। इन वाक्यों में दो दो क्रियाएं हैं। पहले वाक्य में चलना जाना, दूसरे वाक्य में रोना लगना, तीसरे वाक्य में पीना लेना, यह दो क्रियाएं आई है और वह एक ही कार्य को पूर्ण कर रही है, इसीलिए ये संयुक्त क्रियाएं हैं। क्रिया का तीसरा भेद है नाम धातु क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। नाम धातु क्रिया धातुओं के नाम से बनी होती है, इसीलिए उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे गौरी ने आज फिर मुझे दुखाना चाहा, हमें अनाथ बच्चों को अपनाना चाहिए, बच्चा 3 महीनों में ही तत्लाना सीख गया। इनमें से पहले वाक्य में दुख इस संज्ञा को आना, यह क्रिया जोड़ने से दुखाना, यह संयुक्त क्रिया बनी है। अपना इस सर्वनाम को आना, यह क्रिया जोड़ने से अपनाना, यह संयुक्त क्रिया बनी है। तोतला इस विशेषण को आना, यह क्रिया जोड़ने से तत्लाना, यह संयुक्त क्रिया बनी है और इसीलिए ये नाम धातु क्रियाएं है। क्रिया का चौथा भेद है प्रेरणार्थक क्रिया। कर्ता कार्य को स्वयं न करके किसी दूसरे से करवाता है अथवा दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है।
जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे शिक्षक ने छात्र से कविता पढ़वाई, रमेश ने नौकर से बाजार मंगवाया, माँ ने बालक से खाना खिलवाया। इन वाक्यों में से पहले वाक्य में शिक्षक, दूसरे वाक्य में रमेश, तीसरे वाक्य में माँ, यह मुख्य कर्ता है। यह कार्यकर्ता ने स्वयं न करके किसी दूसरों से, मतलब छात्र, नौकर और बालक से करवाए है अथवा कार्य करने की प्रेरणा दी गई है। इसीलिए पहले वाक्य में पढ़वाई, दूसरे वाक्य में मंगवाया और तीसरे वाक्य में खिलवाया, यह प्रेरणार्थक क्रियाएं है। क्रिया का पांचवा भेद है पूर्वकालिक क्रिया। जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके तत्काल किसी दूसरी क्रिया को आरंभ करता है तब पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया को धातु में कर या करके लगाकर बनाया जाता है। जैसे छात्र पढ़ाई करके घर पहुंचे, विनोद दौड़कर दुकान पहुंचा, चोर ने भागकर ट्रेन पकड़ी। यहां पर पहले वाक्य में छात्र ने पढ़ाई करने की, यह पहली क्रिया है और घर पहुंचने की, यह दूसरी क्रिया है। विनोद ने दौड़ने की, यह पहली क्रिया है और दुकान पहुंचने की, यह दूसरी क्रिया है। तीसरे वाक्य में चोर ने भागने की, यह पहली क्रिया है और ट्रेन पकड़ने की, यह दूसरी क्रिया है। इन वाक्यों में कर्ता ने एक क्रिया को समाप्त करके तत्काल किसी दूसरी क्रिया को आरंभ किया है या पूर्ण किया है। क्रिया का छठवां भेद है तात्कालिक क्रिया। जिस क्रिया में समय का अंतर न होकर क्रम का अंतर होता है उसे तात्कालिक क्रिया कहते हैं। तात्कालिक क्रिया पूर्वकालिक क्रिया की तरह मुख्य क्रिया से पहले खत्म होती है, लेकिन इनमें और मुख्य क्रिया में समय का अंतर न होकर क्रम का अंतर होता है। जैसे श्याम सांप देखते ही घबरा गया, प्रीति खाना खाते ही सो गई, दुर्घटना होते ही उसे अस्पताल ले जाया गया। क्रिया का सातवां भेद है कृदंत क्रिया। कृत प्रत्ययों के संयोग से बनने वाले क्रिया को कृदंत क्रिया कहते हैं। अर्थात जब किसी क्रिया में प्रत्यय जोड़कर उसका एक नया क्रिया रूप बनाया जाता है उसे कृदंत क्रिया कहते हैं। जैसे गीता किसी भी बात पर हंसती है, सुरेखा रोज पूजा करती है, पतंग आसमान में उड़ती है। क्रिया का आठवां भेद है यौगिक क्रिया। जो क्रिया दो धातुओं के योग से बनती हो तथा जिसमें दोनों धातुओं का अर्थ बना रहे उसे यौगिक क्रिया कहते हैं। जैसे अब सीताराम चल फिर सकता है, बच्चे तो खेल कूद करते ही है, विजय मारपीट कर रहा था। इन वाक्यों में चल फिर, खेल कूद, मारपीट, यह क्रियाएं दो धातुओं के योग से बनी है और इसमें चलना फिरना, खेलना कूदना, मारना पीटना दोनों धातुओं का अर्थ है, इसीलिए ये यौगिक क्रियाएं है। क्रिया का अगला भेद है सहायक क्रिया। जो क्रिया मुख्य क्रिया की सहायता करती है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। सहायक क्रिया की जरूरत मुख्य क्रिया का अर्थ
स्पष्ट करने और अर्थ को पूरा करने के लिए होती है। कभी एक तो कभी एक से ज्यादा क्रिया यह सहायक के रूप में आती है। जैसे आप किताब पढ़ रहे थे, जमाना बदल रहा है, दीपक सोया हुआ था। इन वाक्यों में पढ़ना, बदलना, सोना यह मुख्य क्रिया है, क्योंकि इन वाक्यों में क्रियाओं के अर्थ प्रधान है। इन वाक्यों में रहे थे, रहा है, हुआ था यह सहायक क्रिया है। यह मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट और पूरा करती है। क्रिया का दसवां भेद है सजातीय क्रिया। जो क्रिया अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं के साथ उनके धातु की बनी हुई भाववाचक संज्ञा के प्रयोग को सजातीय क्रिया कहते हैं। जैसे संजय मन से खेल खेल रहा था, वह अच्छी लिखाई लिख रहा था। आकाश कलेक्टर की पढ़ाई पढ़ता है। क्रिया का ग्यारहवां भेद है विधि क्रिया। जिस क्रिया से किसी आज्ञा का ज्ञान हो उसे विधि क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ाई करो, देखते रहो, संभल कर चलना। इन वाक्यों में करो, रहो, चलना, इन क्रिया से आज्ञा का हमें ज्ञान होता है और इसीलिए ये विधि क्रिया है। अगले वीडियो में हम संयुक्त क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया के भेद देखेंगे। धन्यवाद।